Hey guys, welcome back in my channel. If you are watching my face for the first time, make sure you hit the like button, press the notification bell and also the subscribe button so you never miss any update from my channel. So today I just going to draw the Hanumanji painting with using 5 poster colors, primary colors. So without wasting any time, let's get started to the video. So yes guys, today I will painting on a cartridge sheet which I bought from my local market. And painting direct start karne se pehle, sabse pehle main ek Hanuman ji ka rough sketch bana lungi aur sabse pehle main background pe focus karne wali hu. Background ko main yellow and white color se cover karungi kyunki mujhe isse thoda sky look dena hai, to first half main yellow and white se cover karne wali hu and second half main main use ब्लू एंड वाइट से करूँगी, तो एक थोड़ा स्काई लुक आ जाएगा. एंड यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू थिंक अबाउट द बैकग्राउंड. नाउ आई विल कम टू द स्किन कलर. फॉर अ स्किन कलर आई यूज वाइट, येलो, रेड एंड ब्लैक पेंट. माइंडेड गाइज, ब्लैक की क्वांटिटी थोड़ी कम रखना. सो यस गाइस, कलर को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको डायरेक्टली ही अप्लाई कर रही हूँ हनुमान जी के फेस पर. मैं हनुमान जी के फेस पे, हैंड पे, चेस्ट पे ही इसको अप्लाई करूँगी. मैं उनके चिन वाले एरिया पे इसको अप्लाई नहीं कर रही हूँ बिकॉज मुझे वहाँ पे थोड़ा लाइटर लुक देना है, तो इसलिए मैं वहाँ पे वाइट पेंट्स का यूज़ करके उसे थोड़ा लाइटर लुक दूँगी, उसका लाइटर वर्जन बनाऊँगी जिससे कि थोड़ा डिस्टिंग्विश करने में हमें मदद मिलेगी. एंड फाइनली जब हमारा फेस में, मतलब हनुमान जी की बॉडी में कवर हो जाएगा सारा पेंट, सो जो पेंटिंग है वो कुछ इस टाइप की लगेगी. सो नाउ आई यूज फॉर ऑर्नामेंट्स, आई यू जस्ट यूज वाइट, येलो एंड रेड कलर. एंड आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर ये आया है. और इसको भी मैं डायरेक्टली अप्लाई करूँगी जैसे कि मैंने फेस पर अप्लाई करा था, बिना किसी लाइट एंड शेडो को दिए हुए. सो ट्रस्ट मी गाइज, द प्रोसेस इज़ अ वेरी वेरी इजी एंड इफ़ यू आर अ बिगनर सो यू कैन डू इज़ अ वेरी इजी वे एंड अ सिंपल. इफ़ यू नोटिस कि मैंने अभी तक जितने भी, मतलब इस पेंटिंग को मैंने बनाया है उसको सिर्फ और सिर्फ मैंने प्राइमरी कलर्स का यूज़ करके बनाया है. एंड आई एम प्रोमिस यू दैट कि मैं आगे इस पेंटिंग को सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी कलर्स ही बनाने वाली हूँ. सो अब मैं हनुमान जी के बालों को फोकस, बालों पे फोकस करूँगी. और बालों को बनाने के लिए मैं यहाँ पे ब्लैक, रेड एंड ब्लैक का यूज़ करने वाली हूँ, रेड, ब्लैक एंड येलो का. सो वो हमें ब्राउन लुक देगा. उसको भी मैं एक सिंपल कोट में अप्लाई करने वाली हूँ हनुमान जी के बालों पर. और फॉर अ क्लोथ्स हेयर आई एम यूजिंग अ रेड एंड येलो एंड वाइट कलर, सो इट गिव्स अस ऑरेंज. तो इसको भी मैं सिंपली बिल्कुल ऐसे ही अप्लाई करूँगी जैसे मैंने सारे में अप्लाई करा है. तो ये हमारा पहला फर्स्ट कोट होता है.
ऑर्नामेंट्स में भी हमें येलो के साथ रेड को मिक्स करना है, तो उससे वो हमारा थोड़ा डार्कर आ जाएगा। यहाँ पे मैं वाइट कलर का यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा एक टाइप ऑफ नग दिखाने के लिए, एंड लाइंस के लिए मैंने यहाँ पर येलो एंड रेड को मिक्स करा है डार्कर के लिए थोड़ा, और उसके बाद उसको फिर पानी से मैंने मर्ज कर दिया है। यस गाइस, हमारी पेंटिंग ख़त्म हो चुकी है और उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आया है। एंड इसको सिर्फ मैंने प्राइमरी कलर से बनाया है, एंड प्राइमरी कलर्स मींस मैं आपको कलर्स बताती हूँ, ब्लैक, वाइट, ब्लू, रेड एंड येलो। इन्हीं कलर्स को मिक्स एंड मैच करके मैंने इस पूरे हनुमान जी के पोर्ट्रेट को कंप्लीट करा है। एंड आई होप गाइस कि आपको ये पसंद आया हो। अपने सजेशन लिखना कमेंट सेक्शन में मत भूलना, मेरी इस वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर आपको ये अच्छी लगी है वीडियो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।